क्योंकि सारे मुसलमानों के खिलाफ, मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को कहूंगा कि हम सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। बस हवा निकल गई, वो मुसलमान हमारा है। हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू ही खतरे में। क्या बोल रहे थे, एक बार फिर से बोलना जरा। मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को कहूंगा कि हम सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। साला काला झूठ बोलते हो, स्टेट पे काला बोले थे कि जितना भी मुसलमान है मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे महाराष्ट्र के खिलाफ। अगर कुछ भी मस्जिद तुम लोगों ने कितने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। ठीक है, आजा, जो मस्जिद में बोलता मैं बैठा हूँ, आएगा तो दो टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा, तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। ये है बाबा टिल्लू, ये मारते थे मस्जिद में घुस घुस के, कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, आवाज तो निकल नहीं रही। क्या कह रहा, उगला बंडा मांग रहा, कांत भक्त की झाट। तब आज कहां गई, क्यों मस्जिद में घुस के मारने वाला था इंसान। अल्लाह ने ऐसी फिटकार डाल दी इसके मुंह पे, कान लगा ला भोसड़े का, तू बिल्कुल जुबान से चला जा, बस हो गया। टिल्लू बाबा, बाबा टिल्लू, इनकी आवाज ना किसी से मिल लो, अंधभाग की जात। नीतीश राणे ने मुसलमानों के ऊपर पिछले कई दिनों से हेट स्पीच तो दे ही रहे थे, अभी फिर से दोबारा वो जहर उगला है, जिसमें ये कह रहा है कि 5 मिनट के अंदर में जितने भी मुसलमान है ना, सबको खत्म कर देंगे। झाटे ने चुनी बातें ऊंची ऊंची। नीतीश राणे ने जो बयान दिया है उस पर वारिस पठान ने डिबेट के अंदर क्या कहा है, चलिए आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो चलिए आइए देखते हैं। आके डायरेक्ट बोलता है कि रामगिरी के बारे में कुछ बोला, मस्जिद में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। अरे भाई, चुन चुन के मारेगा तो हम लोग क्या, तेरे को पागल पागल दिखते हैं, हम लोग के साथ में चूड़िया पहन के तो नहीं बैठे हैं ना। ठीक है, आजा, जो मस्जिद में बोलता है मैं बैठा हूँ, आएगा तो दो टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा, तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। अच्छा बात नहीं है। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बात बता रहा हूँ। विधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा। अब अगर कायदा कानून मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए है कि जिन्होंने एक अशार पढ़ा, किसी को कुछ बोला भी नहीं, उनको उठा के आपने सीधा जेल में डाल दिया, और वही रामगिरी जैसा आदमी जिसने मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा इमोशन के साथ, उसने ये किया, आप उसको अरेस्ट नहीं करते? सर ये कहते हैं कि हम लोग आचा माजी सटक ली, अगर दिमाग फिरा तो कुछ बुरा हो जाएगा, दूसरी तरफ संविधान गिफ्ट करते हैं, तो दोनों चीजें साथ में कैसे चलेंगे सर? लिए यात्रा करना चाहता है उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यात्रा के दरमियान अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि आचा माजी सटक ली और मुसलमान किसी से डरता नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो रामगिरी जी ने अगर पैगंबर साहब के बारे में कुछ बोला, गलत बोला, तो निश्चित तौर पर कोई उससे सहमत नहीं है, लेकिन ये कहना कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बातें क्यों कही, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, और उनके देख रेख में अगर किसी व्यक्ति की सुरक्षा को कोई खतरा होता है तो उनको इस बात की गारंटी देने का पूरा अधिकार है कि इनका बाल भी बाक, मतलब सुरक्षा के संदर्भ में बराबर में बैठ के एक वारिस पठान जैसे जो मुसलमान है, मुसलमानों के अंदर डर पैदा करने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का एक डर का भाव लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। आप लोग बार बार बोलते हो हिंदू खतरे में, अरे हिंदू कैसा खतरे में, प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा के मंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, तमाम लोग हिंदू, तो फिर हिंदू खतरे में कैसा हो रहा है, माइनॉरिटी पे तो मुसलमान है, लेकिन हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए खामोश बैठते हैं। आप संविधान के तार तार कर रहे हो रोज, आप कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे हो रोज। अगर ये अल्फाज वारिस पठान ने बोला होता यकीन मानिए आप, मैं आपके मंच पे नहीं होता, जेल में होता, लेकिन नीतीश राणे घूम रहा है, रामगिरी घूम रहा है, कोई अरेस्ट नहीं, इस तरह नहीं बोल सकते कि इसके बाल को हाथ नहीं लगाने दूंगा, बाल बांका नहीं होने दूंगा, और क्या मस्जिद में घुस के मारेगा, चुन चुन के मारेगा, मैं बोल दूं कि मैं आके मारूंगा तो मेरे ठीक है, जरा मेरी बात सुन लीजिए, प्रॉब्लम यही हो रहा है ना इन लोग के साथ। वारिस पठान साहब, आवाज कहीं दबी नहीं है आपकी, नहीं नहीं ना तो यहाँ दबी थी, ना मुंबई के रास्तों पर जब आप बातें कर रहे थे, ना वहाँ दबी थी, ना दबेगी नहीं आवाज, दबेगी नहीं, मैंने पहले ही कहा आवाज तो दबता है नीतीश राणे का। भाई साहब वो वीडियो नहीं देखे हैं, स्टेज पे बोलते बोलते मुंह का आवाज गायब हो गया था, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लीजिएगा। पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं, हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते।
आप बोलेंगे तो हम खामोश बैठेंगे। मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि हालत खराब कर देंगे। मैं बोलूंगा प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। तो सामने वाला ही बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा तो सामने। अच्छा, आप नीतीश राणे बार बार कहते हैं उनके खिलाफ दो दो FIR हो चुका है, जहां भी उन्हें बयान दिया, अहमदनगर में उन्हें बयान दिया था वहां पर दो दो FIR हो चुके हैं। रूढ़ दल का MLA है, बावजूद इसके अगर उसने कुछ ऐसी बात कही है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप कि छोड़ूंगा नहीं छेड़ोगे तो ये भी संविधान नहीं है। चर्ची जैसे मेरी बात हो जाए, संविधान में इक्वालिटी है। पत्रकार रह चुके हो, बताओ मेरे को संविधान में इक्वालिटी है तो हो जाने दीजिए। मुफ्ती सलमान हजारी के लिए संविधान है, मेरी बात रामगिरी के लिए क्यों नहीं है? मेरी बात नीतीश के लिए क्यों नहीं है? माय कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान अपने ढंग से काम करा। आप लोगों में डर पैदा कर रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। रामगिरी के खिलाफ FIR हो गया है, कार्रवाई हो रही है। अब जब 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 अरे कार्रवाई क्या लेना खड़ा है, वो तो बैठा हुआ है बिंदास, भाषण पे भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं लोग। क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? अगर वारिस पठान बोलता संजय भाई दिल पे हाथ रख के बोला मेरे को आप तक उठा के जेल में डाल देते हैं, सलमान हजारी को आपने डाल दिया, आपके ऊपर भी पहले FIR होगा, सबको जेल। ये वही संविधान है सर, जिसने कोर्ट का प्रोसीजर रहा कि आपने सवाल, मैं कह रहा हूं कोर्ट का प्रोसीजर रहा सर। आप सुनो, बाकी जगह भी चलेगा, नहीं चल रहा है ना, अरेस्ट करो ना। नहीं चल रहा सर तो आपके पास कानूनी प्रावधान है, अरेस्ट नहीं करेंगे, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ये बताइए, बात से सहमत हूं, ये बताइए अगर पुलिस किसी के खिलाफ FIR करती है और पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो उसके बाद प्रदर्शन करके मोर्चा करके गिरफ्तार नहीं कराया जाता। आप क्या करते हैं, आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसे किया, FIR हुआ, अरेस्ट नहीं किया, कोर्ट आदेश दे। आप कोर्ट में गए क्या? आप जो रैली लेके आपने कहा कि हजारों नहीं लाखों में लोग थे, लाखों लोग धारावी में, कितने लोग थे धारावी? हो गए 10-15 हज़ार लोग, आए होंगे, क्यों नहीं आएंगे? पर शिमला में रास्ते पे उतर गए तो वो शरीफ लोग थे। मैं कह रहा हूं सर, शिमला में सुनिए, शिमला में मस्जिद के लिए तोड़ने के लिए रास्ते में लाखों लोग उतर गए तो वो शरीफ लोग थे, और हम उतर गए तो हमने क्या कायदे कानून का? एक बात मैं कहना चाहूंगा, किसी ने वहां पे दंगा फसाद किया, हमने खुद ने कह दिया मस्जिद कमेटी ने कि हमको 8 दिन का समय दिया जाए, हम जो इल्लीगल अतिक्रमण है आपके हिसाब से उसको अपने हाथ से निकाल देंगे। 5 दिन का वक्त है ना, 8 दिन का नहीं, 5 दिन का था और 5वां दिन निकल गया। संजय अनुपम जी, एक सेकंड था, नहीं गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अरे आप धारावी प्रोजेक्ट किसने लिया है? अडानी ने। आप अडानी का जो कॉन्ट्रैक्ट है पहला वो पड़ गया, अडानी ने आके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आप चलेगा 1 घंटा डिबेट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है पावर अडानी को है, वो क्या करना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, वारिस भाई क्या मस्जिद का जो है, डेविएट नहीं सर, घुमाइए मत, घुमा नहीं रहा हूं मैं। एक सेकंड, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन क्या था अगर मस्जिद के इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या ऐसा बोलना है कि जो 2 माले की मस्जिद थी उसके ऊपर थोड़ा सा आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है? अरे धारावी के अंदर मेरे साथ आप चलेंगे ना? अभी बनाई गई, संजय भाई तो बंबई के, चलो मेरे साथ धारावी में, हर गली में 50,000 से ज्यादा इलीगल ऐसा होगा कंस्ट्रक्शन, हर गली में। अरे हर गार्डन के अंदर हमारे हिंदू भाइयों ने मंदिर बनाया, मैं कभी ऑब्जेक्शन लिया? हर रस्ते के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने कहीं ना कहीं मंदिर बना के रखा, मैं तो ऑब्जेक्शन नहीं लेता। तुम्हारी आस्था है, मेरी आस्था का क्यों सवाल? मेरी आस्था का क्या होगा? आस्था है, आस्था ऊपर या कानून? आस्था ऊपर या कानून? लड़ाई के लिए अपनी जान गंवा दी, ऊपर की कानून, उनकी आस्था की कोई फिक्र नहीं है। और जो ब्रिटिशरों के साथ थे, माफीनामे लिख रहे थे, उनकी फिक्र आपको ज्यादा होगी? मेरी फिक्र करो साहब, हमारे लोगों ने ऊपर या कानून? कानून, संविधान, ठीक, BMC गई थी, लेकिन मेरा सवाल उसी बात को लेकर सर कानून से BMC को जवाब दिया, उसी कानून के तहत BMC वापिस चले गई। पुलिस का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप, पब्लिक परसेप्शन में कानून हारा है, नहीं हारा है। भीड़ के सामने 5 दिन में जो इल्लीगल अतिक्रमण हटा देंगे तो कहां घुटने टेकने की बात की? किसने दादागिरी की? हमने तो प्रपोजल रखा ना भाई। सब देख लिया ना कि वारिस पठान ने कैसे जवाब दिया मीडिया वालों को? तो भाई साहब, हमारी वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जोर जबरदस्ती नहीं है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लेके आऊँगा किसी अगला वीडियो, अच्छा वीडियो, एकदम जबरदस्त वीडियो, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेकर